क्या? हाँ, क्या बोल रही थी? बोल। मैं बोल रही थी कि हमें रूम ना क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने क्लीन नहीं रखा तो तू मुझे डांटेगी, अगर तूने क्लीन नहीं रखा तो मैं तुझे डांट दूंगी, इसलिए रूम हमेशा क्लीन रहना चाहिए ताकि यार रूम में रहने का मन भी करे। नगमा रहमान और सभी का स्वागत है मेरे अन्नार व्लॉग में। अभी बज रहे हैं 10 बज चुके हैं और मैं गई थी अभी मैथ्स में, बट उतना ज़्यादा खा नहीं पाई क्योंकि 10 बजे से ही क्लास है और मुझे बहुत जल्दी जाना है, तो मैं अभी जा रही हूँ, एंट्री करूँगी फिर निकलूँगी, तो चलो चलते हैं। मैंने अभी एंट्री कर दी है और खुशी की बात यह है कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला था ईयरली का 18 ऑफ अप्रैल, और वो हमारा हो चुका है पोस्टपोन और अब हमारा होगा 5 मई को। और क्योंकि पोस्टपोन इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल आ जाते हैं ना बीच में, अभी तो नवरात्रि भी चल रही है और हमारा रमज़ान भी चल रहा है इसलिए, और ईद भी था इसलिए अच्छा वो पोस्टपोन हो गया, वरना मज़े से नहीं बना पाते हम, घूम नहीं फिरते इधर उधर। पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन है क्लास में हमारे यूनिवर्सिटी में। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच चुकी हूँ और जा रही हूँ क्लास में। सो गाइस, ये मेरा पोस्टर बनाया मैंने अपने भीमराव अंबेडकर का, उनका आज बर्थ एनिवर्सरी है तो सबने बनाया पोस्टर, तो यहाँ पे भी ये नंदिनी ने बनाया है और ये नंदिनी ये बनाया करण ने, करण तो लिखा इसका हमेशा एक ही पैकेट रहता है लेकिन अच्छा लगता है हमेशा। अपना दिखाओ, ये नैन्सी ने बनाया, ये ये हमेशा पता नहीं क्यों फेस पा ले। बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, मेरे से तो बनता नहीं उतना अच्छा, बट मैंने आज बनाया पेंसिल कलर से। सो गाइज, मैं अभी हॉस्टल गेट के अंदर आ चुकी हूँ अपने, और अभी बज रहे हैं 3:30 और हमारा हो चुका है अभी छुट्टी। हमारा कंपटीशन था आज, अच्छा गया और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि मुझे वापस अपना स्केच बुक लेना जाना पड़ा क्योंकि मैं भूल चुकी थी क्लास रूम में, तो मैं वापस गई थी और अभी थक गई हूँ। अब जाऊंगी रूम में और रेस्ट करूंगी, सो जाऊंगी। सो गाइज, अभी बज चुके हैं 6:26, मतलब 6:30 बज चुके हैं और मैं सो के उठ चुकी हूँ, रेस्ट मैंने कर लिया। और अभी तो मैंने रमजान रोज़ा नहीं रखा था आज, क्योंकि बहुत मतलब कंटिन्यूसली मैंने 10 डेज रख लिया है, मतलब 3 से स्टार्ट था और आज कितना है 13 है ना, हाँ तो 13 तक मैंने नहीं 12 तक रखा था मैंने, तो 12 तक मेरे 10 रोजे हो गए, तो फिर मैंने सोचा आज रेस्ट लेती हूँ क्योंकि बहुत दिन से बस वैसे ना वीकनेस हो जाता है तो बीच में ब्रेक होता है, तो मैंने ब्रेक लिया। और अभी आज तो मेरा फास्ट नहीं था, तो अभी मैं और दीदी यहाँ पे चाय और पास्ता खा रहे हैं और असेंबली में आज हम जाएंगे, आ जाएंगे, मजा आएगा। यहाँ पे दीदी खा रही है, और तुझे मेरा व्लॉग कैसा लगता है थोड़ा सा बता बता। अच्छा लगता है, मैंने सारे व्लॉग्स देखे हैं और सारे व्लॉग्स में कॉन्फिडेंस भी होती है, ये बात अच्छी है। तो कमेंट्स भी मैंने देखे हैं, अच्छे आते हैं, लाइक यू नो अच्छे आते हैं, और तुम्हारे चैनल की बहुत ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस है, हालांकि 1 महीना ही हुआ है ना आई थिंक, हाँ बट अच्छा की ग्रोइंग। और अच्छा बनाते हो, मुझे कैसे बनाना चाहिए? तुम्हें बनाना चाहिए और भी लोगों को अपने वीडियो में लाने चाहिए, पता है। और नए जगह का ब्लॉग बनाओ, यूनिवर्सिटी और के मास इंटरनल, उसका तो मैंने एक ही एक ब्लॉग बनाया। स्टिल तू हॉस्टल का बनाती है, बना चुका है, कभी और बनाना चाहिए जैसे कोई कैफेटेरिया, तुम कहीं जा रहे। हाँ, मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता ना यार,
इसलिए मैं नहीं बना पाती। तो दीदी ने मेरे ऊपर कमेंट कर दी कि मैं कैसा ब्लॉग बनाती हूँ। ठीक है, मैं तो ब्लॉग नहीं बना पाती क्योंकि इतना, मतलब सब लोग देखते होंगे कि मैं बहुत ही दिनों के बाद ब्लॉग डालती हूँ, क्योंकि मेरा मतलब कंटिन्यूसली बन नहीं पाता, मैं बना नहीं पाती, इसलिए कॉलेज का वर्क भी होता है। अभी तो हमारा ईयरली के एग्जाम्स आ रहे थे, अभी तो बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी रिसेंटली कोई ब्लॉग अपलोड करूँ तो अभी डलेगा और बन जाएगा। हफ्ते में दो तो डाल ही देती हूँ मैं। तो अभी मेरा रूम टूर भी आएगा, तो देखना आप तक हमारा रूम कैसा है, क्योंकि अभी तक मैंने रूम टूर डाला नहीं है। बहुत दिन से सोचती थी बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैसी सा होता ना, तो बनाने का मन नहीं करता। थोड़ा सा सेटअप कर लूँ फिर बनाऊंगी, तो देखना कैसा है हमारा रूम। अच्छा है, सब लोग आते हैं बोलते हैं कि तुम्हारा रूम कितना क्लीन है। क्लीन तो है, तो क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम क्लीन रखोगे तो तुम्हें रहने का भी मजा आएगा, मन करेगा क्लीन रखो। क्या? हाँ, क्या बोल रही थी? बोल। मैं बोल रही थी कि हमें रूम ना क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने क्लीन नहीं रखा तो तू मुझे डांटेगी, अगर तूने क्लीन नहीं रखा तो मैं तुझे डांट दूंगी, इसलिए रूम हमें क्लीन रहना चाहिए, ताकि यार रूम में रहने का मन भी करे। अच्छा, और लोग जो हमारे रूम में आते हैं, लाइक हमारे फ्रेंड जो हमारे रूम में आते हैं, तो बोलते यार तुम्हारे रूम में अपना घर वाली फीलिंग आती है, तो अच्छा लगता है सुनने में भी, यू नो कि कोई तुम्हारे रूम तुम्हारी हाइजीन समथिंग पे कमेंट करे, अच्छा लगता है। और यार थोड़ा सा रुक जाए, इसने पूरा खा लिया, मुझे खाने भी नहीं देगी। रुको जरा, सबर करो। देख यहाँ पे सिर्फ पास्ता, यहाँ पे वेजिटेबल दिख रहे देखो। मैं खा रही वेजिटेबल। अच्छा सही है, आज उन्होंने पास्ता अच्छा भी बनाया, आज पास्ता अच्छा बनाया उन्होंने मेस वालों ने। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 8:05 और मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए, और देखते हैं डिनर में क्या बना है। सो गाइस, आज डिनर में है भिंडी की सब्जी, दाल चावल और रोटी, और सैलड में है ऑनियन और खीरा। तो पहले हम खा लेते हैं। One eternity later. सो गाइस, अभी बज रहे हैं 9:19 और हमने डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया, और अभी मेरा मन हुआ है थोड़ा सा कैनवस के ऊपर ड्राइंग बनाना, ड्राइंग नहीं पेंटिंग है, जो कि मेरी फ्रेंड का है, उसने मुझे बोला है कि बनाने के लिए, तो फिर मैं उसका हेल्प कर रही हूँ थोड़ा। तो वो अभी अपने रूम में है, उसने मुझे अपना बनाने के लिए दिया है, तो फिर मैं बना देती हूँ। और ये अभी थोड़ा सा ऐसा कुछ दिख रहा होगा, लेकिन अभी ये कम्प्लीट नहीं है, अभी इसे कम्प्लीट करना है। ये स्पाइडर मैन है, उसे अपने भाई को गिफ्ट देना है, तो मैं अभी बनाती हूँ, फिर आगे दिखाएंगे कैसे बनाए। ठीक है, मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा बनाए। ओके, तो अभी हमने सबको सेटअप कर लिया, तो अभी हम लोग करेंगे इसे पेंट और देखते हैं कैसा बनता है। हमें दो तीन कोटिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि ये ब्लैक कैनवस है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है कलर, इसलिए हमें दो तीन कोटिंग करनी पड़ेगी कलर की, है ना। तो अभी मैंने सारा को ही दे दिया है, क्योंकि वो सीखने आई है। मैं सिखा तो नहीं रही, मतलब मैं हंस की हेल्प कर रही हूँ, मुझे भी वैसे इतनी अच्छे से आती नहीं अभी, है ना। नहीं यार, इतनी अच्छे से नहीं आती अभी, हम तो सीख रहे हैं। यहाँ पे पता है दीदी को भी हमारा देखते देखते शौक चढ़ गया है, तो फिर ये भी बना रही है। क्या बना रही है? ये कुछ प्रिंट है, मेरे पास बहुत पुरानी ड्राई लीफ थी, मैंने उसको ऐसे प्रिंट कर दिया, उसकी वजह से पता है मैंने अपना इतने सालों पुराना लीफ भी वेस्ट कर दिया बेचारा। अच्छा, इतना पुराना, ये सारे ड्राई लीव्स हैं, तो इसी से ये प्रिंट कर रही है। ये तो मुझे बुकमार्क जैसा लग रहा है, बुकमार्क बना लिए तू? नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे से ना पेयर ऑफ थ्री वाला पेंटिंग नहीं बनती, वैसा बना ली कुछ। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? मैंने वाइट कर दिया है। हाँ, अच्छा लग रहा है। A few moments later. So guys, अभी बज रहे हैं 12:20 और हम जो बना रहे थे पेंटिंग, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये कुछ इस तरह दिख रहा है। मैं दिखाती हूँ, स्पाइडरमैन है वो सारा है, मेरी फ्रेंड वो भी हॉस्टल में रहती है, तो उसे अपने भाई को गिफ्ट करना है।
सारे 12 बजने वाले हैं और मैं अभी सो जाऊंगी। एडिटिंग तो अभी नहीं कर पाऊंगी, तो कल सुबह एडिटिंग करूंगी और व्लॉग अपलोड करूंगी। कल ही हो जाएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, अभी बज चुके हैं 8:05 और मैं जा रही हूँ अभी डिनर करने के लिए। डिनर करने जा रही हूँ मैं। इसमें क्या होता ना यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि आजकल थोड़ा सा पता नहीं है, क्योंकि हम अभी तो रमजान चल रहा है तो मैं चाहती नहीं हूँ ज्यादा, तो फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। तो मैं अभी जा रही हूँ लंच का। Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow.